तारीख को, दिन रविवार को, दिल्ली के अंदर छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कार्यक्रम करेंगे। आपको याद होगा, जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये संकल्प लिया था, ये तय किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं उनके बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। प्रधानमंत्री जी ने जिन संस्थाओं को उनके पीछे लगाया था, ईडी सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ, देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको जमानत दे दी। उसके बाद भी केजरीवाल जी ने कहा कि हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आएंगे। जब दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं, 2 बार त्याग कर उसूलों और सिद्धांतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े। पहली बार 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया और इस बार इस्तीफा दिया। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।